ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जिनका बहुत लंबा समय अटल जी के साथ उनके सानिध्य में बीता, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया. छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, बुझे मन से कोई खड़ा नहीं होता. ये विचार रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के. और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सदैव अटल जी को पिता तुल्य, पिता के समान मानते रहे, उनका आदर करते रहे, अब उनकी अंतिम यात्रा में, अंतिम विदाई के समय अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी जी का ये कहना रहा कि वो इस बात को स्वीकार नहीं सकते कि अटल जी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो सदैव उनके भीतर, उनके मन में अपने शब्दों, अपने विचारों के माध्यम से जीवित रहेंगे. We see the former Afghanistan president, Shri Hamid Karzai, various other foreign dignitaries who are present here.
Shrimati Sushma Swaraj, External Affairs Minister, being accompanied by the King of Bhutan, Jigme Kesar Namgyal Banchuk. These are as personal tributes as can be, and not just because that is the courtesy of the time. These are people who have had personal relations or personal connect with Atal Bihari Vajpayee ji during his tenure as the External Affairs Minister. He broke new grounds in diplomatic relations with people across the world. Atal ji kehte the ki aap apne doston ko bhi badal sakte hain lekin padosiyon ko nahi badal sakte hain. इसलिए कूटनीति के लिहाज से देशहित में ये बहुत आवश्यक है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ हमेशा मधुर संबंध हों. और जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, जिनकी अटल जी के साथ बहुत अंतरंगता रही, वो इस समय उनकी अंतिम यात्रा में उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए व्यक्तिगत क्षति, जैसा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा, अटल जी का जाना Lal Krishna Advani, one of Atalji's dearest friends and comrades. They began their political journey together, but they were also dear friends. They shared a great love for food, for music, for movies. A very, very difficult time for every person who's had a personal connect with Vajpayee ji. जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस समय वहां पर मौजूद. और अटल जी हमेशा कहते रहे कि मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं होने चाहिए. विनोद प्रिय व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अब दैहिक रूप से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने विचारों के माध्यम से, अपने कृत्यों के माध्यम से वो सदैव सदैव भारतवासियों के दिल में रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें नमन करती रहेंगी. विनोद प्रिय व्यक्तित्व की दृष्टि से बात करें तो एक घटना यूं याद आती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार उनसे कहा कि जब वो बोलते हैं, अपना संबोधन देते हैं, तो हाथ बहुत हिलाते हैं. तो अपनी वाक्पटुता के चलते अटल जी ने तुरंत जवाब दिया और बोले, आपने देखा है किसी नेता को पांव चलाते हुए? सबके साथ
वही समरसता, वही मधुरता, ऐसे थे अटल जी। और हम देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, वे भी स्मृति स्थल पर पहुंच चुके हैं। अटल जी वॉज वेरी इंक्लूसिव इन हिज पॉलिटिक्स, ही हैड फ्रेंड्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, एंड ही वुड से इफ इंडिया इज नॉट सेक्युलर, इंडिया इज नॉट एट ऑल। द ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद पेइंग हिज रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड लीडर। राष्ट्रपति जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोक शस्त्र एंड द लास्ट पोस्ट।
माननीय राष्ट्रपति, अन्य मान्यगणों के साथ आज जहां देश के अलग अलग हिस्सों से देशवासी यहां पर आए हैं अटल जी को अंतिम विदाई देने के लिए, वहीं जैसा कि हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सदैव एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते रहे हैं, इसलिए आज यहां पर उनकी अंतिम यात्रा में अनेक देशों के राजनयिक और नेतागण यहां पर पधारे हैं। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। द पॉल बेयरर्स विल नाउ रिमूव द नेशनल ट्राइकलर। द सन ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी receiving the highest national send-off. जिस तरह से हवा के बहाव के साथ यहां पर हम देख सकते हैं कि पेड़ पौधे और पत्ते भी किस तरह से विचलित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वे भी अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं इस माध्यम से। द किंग ऑफ भूटान हिज एक्सेलेंसी जिग्मे केसर नामग्याल बांगचुक लेइंग अ रीथ bidding a final farewell to Atalji, who was a great friend of his father's. The finality of these moments are heartbreaking. Representatives of the SAARC nations are present here today. And now a tribute by the Foreign Affairs Minister of Nepal, Sri P.K. Khayavali. ये हिजरतें हैं जमी ओ जमा से आगे की, जो जा चुका है
उसे लौट कर नहीं आना है। ओल्ड फ्रेंड्स, विशिंग अ फाइनल फेयरवेल टू द डिपार्टेड फ्रेंड, His Excellency Hamid Karzai, the former President of Afghanistan, who also had a very close relationship with Atal Bihari Vajpayee ji. These are moments that leave most of us at a loss of words. Friends from all across the world, present here to pay their tributes on a personal level and also as representatives of their countries. Shri Lal Krishna Advani, jinka सबसे ज्यादा समय साथ रहा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, लगभग 60 से 65 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, उठाने में, संघर्ष के दौर में, यात्राओं में सदैव दोनों साथी रहे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके लिए विशेष रूप से ये व्यक्तिगत क्षति। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और जैसा कि कल उनके निधन के बाद श्री अमित शाह ने कहा, एक ध्रुव तारा जो आकाश गंगा में समा गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, अटल जी की अंतिम यात्रा के इस पड़ाव पर अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हुए, Former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, paying his last respects to Sri Atal Bihari Vajpayee. They shared a common goal to take India
towards new liberalization that in a way changed India forever.